गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। लास्ट क्लास में हमने नाउ चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे का एक नेक्स्ट चैप्टर वन एंड मेनी। ये चैप्टर नेम है वन एंड मेनी। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। वन वन क्या होता है और मेनी क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। जब कोई चीज़ सिंगल होती है, अकेली होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ क्या है, वन है, एक है। लेकिन जब कोई चीज़ कई सारी हो जाती है तो क्या होती है, मेनी, यानी कि बहुत सारी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, मैं वन, तो मैं कितनी हूँ संख्या में, नंबर्स कितने होंगे, वन। अगर यहाँ पर मेरे साथ दो तीन लोग और आ जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा, मोर देन वन हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मेनी। क्या कहलाएगा, मेनी। तो जब कोई चीज़ सिंगल होती है, कोई भी चीज़, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, कोई थिंग हो, जब कोई भी चीज़ सिंगल होती है, अकेली होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन। वो क्या है, वन है। और जब कोई चीज़ बहुत सारी हो जाती है, एक से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम मेनी के नाम से जानते हैं, यानी कि मेनी का मतलब होता है कि बहुत सारा, एक से अधिक। और इसी वन को, जो चीज़ें, जो नाम वन होता है यानी सिंगल होता है, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। और जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो वो प्लूरल कहलाती है, यानी सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, यानी कि अधिक। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। जब कोई नाउन, आपने नाउन पढ़ लिया था, नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। मैंने बताया था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम है, उन्हें हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, और यही नेमिंग वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो आप वो नाउन, आप समझ रहे हैं यहाँ नाउन का मतलब क्या है, किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग का नाम, वो क्या होता है, नाउन। अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, वो नाउन, ऐसे नाउन जो सिर्फ किसी एक पर्सन को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। क्या बोलते हैं हम यहाँ, सिंगुलर बोलते हैं। यानी जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे, जब भी हम किसी एक चीज के बारे में, एक सिंगल चीज के बारे में बात करेंगे, तो वो होगा सिंगुलर। क्या होगा, वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। अगेन उसके बाद आप देखेंगे, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन, यानी कि मेनी पर्संस और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल। जब कोई नाउन, जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं और वो नाउन क्या करता है, डिनोट्स मोर देन वन, जब कोई नाउन मोर देन वन, मोर देन वन मीन्स एक से अधिक चीजों के बारे में दर्शाता है, बात करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल के नाम से जानते हैं। यानी अगर कोई नाउन, मैं, मेरा नाम आपको पता है, मैं क्या हूँ, नेमिंग वर्ड्स, यानी मैं नाउन हूँ। ठीक है, अभी मेरे साथ यहाँ कई टीचर्स और आ जाएं या कई सारे बच्चे आ जाएं, तो वो पर्सन हुआ, तो वो क्या हो गया, मोर देन वन हो गया। अभी मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगुलर नाउन हूँ। यहाँ मेरे साथ अभी तीन चार लोग या दस लोग और इकट्ठे हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, वो प्लूरल वर्ड हो जाएगा। तो जब भी हम किसी सिंगल यानी वन चीज के बारे में क्या बात करेंगे, तो उसको हम वन के नाम से जानते हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही है वन एंड मेनी, यानी कि एक या फिर एक से अधिक, यानी मेनी। आपने इसमें ये भी जाना कि जब कोई चीज वन होती है, सिंगल होती है, तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। और जब कोई चीज मोर देन वन, यानी मेनी, यानी कि बहुत सारी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लूरल कहते हैं, वो प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं। ये पिक्चर्स किसकी है, आपको किस चीज की पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर बॉल की है। यहाँ पर कितनी बॉल है, वन।
कितनी है? वन, ठीक है, यहाँ वन बॉल बनी है, तो यहाँ पे लिखा है क्या? बॉल। यहाँ कितनी बॉल है? वन टू थ्री, यहाँ पर थ्री बॉल है, तो ये कितनी हो गई? मेनी। मेनी मीन्स बहुत सारी, मोर देन वन हो गई है। तो यहाँ सिंगल बॉल थी या एक अकेली बॉल थी, तो ये कितनी संख्या हुई है? वन। फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ वन टू थ्री, थ्री बॉल्स बनी है, तो ये कितनी, क्या कहलाया? मेनी। ये वन और ये मेनी, यानी बहुत सारी, मोर देन वन। फिर आप देखेंगे यहाँ हमने एप्पल बनाया है, यहाँ कितने एप्पल बने हुए हैं? वन, ओनली वन। तो जब हम किसी वन थिंग के बारे में बात करते हैं, जब किसी सिंगल नाउन के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है, अभी मैंने बताया था। तो ये बॉल सिंगल है, वन है, ये एप्पल सिंगल है, वन है, तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। क्या कह रहा है ये? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंगल है, यहाँ वन बॉल है, यहाँ भी वन एप्पल है, ठीक है, ये दोनों सिंगल है, वन है, ये सिंगुलर कहलाया। फिर आप देखेंगे यहाँ वन टू थ्री बॉल्स है, थ्री बॉल है, और यहाँ पर वन और टू एप्पल है। तो जब हमने बताया कि अगर कोई चीज सिंगल है तो सिंगुलर कहलाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये मोर देन वन हो गया। क्या हुआ? ये मोर देन वन, यानी एक से अधिक हो गया। तब ये चीजें क्या कहलाई? आपको पता है जब एक से अधिक यानी मेनी होती है तो वो प्लूरल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लूरल। अब ये जो सिंगल है, ये जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, यानी सिंगल नाउन होते हैं, इनको यहाँ पर आपने देखा कि बॉल सिंगल थी, ये एप्पल सिंगल था, यानी वन था, ये सिंगुलर था। अब इन्हीं सिंगुलर को हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, हम ये जानेंगे। ये बॉल है, ये एप्पल है, तो मैं एक बॉल थी, हमने लिखा बॉल। यहाँ आप देख रहे हैं वन टू थ्री बॉल है, तो यहाँ एक से अधिक हो गई, मोर देन वन हुई, तो ये बॉल नहीं, ये क्या हो जाएगी? बॉल्स हो जाएगी। यानी कि सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर वर्ड्स के एंड में हम यस या ईएस ऐड करके उसको प्लूरल प्लूरल वर्ड बना सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ ये बॉल सिंगल था, सिंगुलर था, ये बॉल वर्ड नाउन हुआ। अब किसी नाउन में यानी किसी वर्ड में हमने यस ऐड कर दिया, ये क्या हो गया? बॉल्स, ये प्लूरल बन गया। क्यों बनाना पड़ा प्लूरल में? क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक बॉल्स थी, कई सारी बॉल्स हो गई, वन टू थ्री, तो ये मोर देन वन हो गई, ये प्लूरल हो गया। और हम प्लूरल वर्ड कैसे बना सकते हैं? सिंगुलर वर्ड के लास्ट में यस हमने ऐड कर दिया, ये क्या बन गया? प्लूरल वर्ड बन गया, तो ये हो गया बॉल्स, बॉल बॉल्स। इसी तरह से एप्पल, आपने देखा ये सिंगल वन एप्पल है, ओनली वन एप्पल, तो हम इसको बोलेंगे एप्पल। फिर जब ये यहाँ पर एक से ज्यादा यानी दो हो गया, तब इसे हम प्लूरल बनाएंगे, ये प्लूरल हो गया, लेकिन हम यहाँ पर एप्पल लिखेंगे नहीं, तो क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पर? यस, क्या ऐड करेंगे? यस, ये हो गया एप्पल्स, बॉल्स एप्पल्स। तो यानी कि बॉल वर्ड में हमने यस ऐड किया तो ये प्लूरल बन गया बॉल्स, और एप्पल वर्ड में हमने यस ऐड किया तो ये एप्पल्स यानी कि प्लूरल बन गया। आपने देखा कि इस नाउन में, इस डेफिनेशन में ये बात की जा रही है कि जब किसी कोई भी नाउन किसी सिंगुलर को, किसी सिंगल वन वर्ड को दर्शाएगा, डिनोट करेगा, तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग, जब कोई नाउन किसी एक पर्सन या किसी एक चीज के बारे में डिनोट करता है, दर्शाता है, तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। ये दो चीजें आपको याद करनी है कि जब किसी एक पर्सन एक थिंग के बारे में बात हो रही होगी तो वो सिंगुलर कहलाएगा। जब वही नाउन मोर देन वन यानी एक से अधिक यानी मेनी, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारी चीजों को डिनोट करता है, तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। ये तो हो गई पहली चीज कि आपको ये याद करना है कि उसे हम, जब किसी एक चीज के बारे में बात होगी तो वो सिंगुलर, मोर देन वन के बारे में बात करेंगे, एक से अधिक चीजों के बारे में तो वो प्लूरल।
आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है एड यस टू चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल। आपने देख लिखना है क्या, ये वर्ड्स आपको नाउन दिए गए हैं, अब इन नाउन के अंत में यानी एंड में यस ऐड करके आपको इसे प्लूरल बना सकते हैं और बनाना है। पहला वर्ड क्या है, क्रो। आपको यहाँ क्रो लिखेंगे और क्रो के बाद एस ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्रोज। बुक, ये बुक्स। ट्री, ट्रीज। स्नेक, स्नेक्स। कार, कार्स। डोर, डोर्स। एप्पल, एप्पल्स। बैंगल, बैंगल्स। पिक्चर, पिक्चर्स। ये आपको बुक में फिल करना है और बुक में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ इतने आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और पूरा आपको बुक में फिल करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर किन नाउन वर्ड्स में हमें ई एस ऐड करके प्लूरल बनाना है। थैंक यू।